ईशा सुबह सुबह अपने घर के बाहर से दूध लेने के लिए बाहर निकलती है तो नजर भाग्यश्री पर पड़ती है। एक्सक्यूज मी मिसेस टक्कर। गुड मॉर्निंग, ये लीजिए। कितना हुआ? मैं बेच नहीं रही हूँ। फ्री कॉम्प्लीमेंट्री? वो मेरी बेटी यही दूध पीती है। She drinks low-fat milk. Low-fat milk? Yes. तुम्हें पता है? मेरे घर में जो कविता काम करती है ना, वो भी फुल क्रीम वाले मिल्क की चाय पीती है। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बहू को ऐसा मलाई बगैर का दूध पिलाऊंगी? No way, no? नहीं नहीं। आप प्लीज ये दूध सभी को दें, क्योंकि ये उसे बहुत पसंद है। वैसे भी हमारे घर में हम सब low-fat मिल्क ही पीते हैं। तभी मैं सोचूं तुम्हारे घर में सब सूखी टहनी की तरह क्यों दिखते हैं। और हमेशा की तरह भाग्यश्री और ईशा की टक्कर भी बराबर की है ताने मारने में। काय वांदो, देख लेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक सबसे पहले तो वो जय श्री कृष्ण नहीं होता है, जय श्री कृष्ण होता है। बोल जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो क्यों जय श्री कृष्ण बोल रही है? वो मिसेस टक्कर, अब हमारे बच्चों की शादी हो गई है, हम दोनों अब एक दूसरे के समधी हैं, तो मैंने सोचा कि पुराना सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। एम, तूने कभी सुना है राहुल के तुम्हें दोस्ती हो गई है? कभी नहीं हो सकती। तेरे मेरे बीच में जो 36 का आंकड़ा चल रहा है ना, वो था है, और तेरी हरकतें देख के लगता है कि हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। मेरी हरकतें? तो दोस्ती करनी है मेरे सर। एक्सक्यूज मी, फुल क्रीम मिल्क? फुल क्रीम तो दिख रहा है सब जगह। और अब कुछ नहीं तो मिल्क पर ही बहस छिड़ गई है। खुद भी लो फैट पे शिफ्ट हो जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। अरुण के अब भी दोस्ती करेगी मेरे साथ? बोले मैं आओ मिसेस सक्कर। यस फ्रेंड। सुधरेंगी नहीं आप, कभी नहीं सुधरेंगी। अरे इतनी बेस्ट हो क्यों सुधरो? अरे आओ ना दोस्ती कर। कोई जरूरत नहीं है करने। ए बाबू चाय खाओ ना। डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। वही बचाती हूँ मैं। और वहीं अब सब ये अपने ससुराल में है और सूटकेस खोल कर बैठी है, कपड़े बदलना है, पर रजत है जो मिरर के सामने से हटने का नाम ही नहीं ले रहा, बाहर भी नहीं जा रहा। क्या हुआ? उड़ क्यों रही हो? तुम्हारे घर में बाबा ही नहीं है क्या? ए बाबा ही पे मत जाना प्लीज। हाँ, तुम मुझे ताड़ क्यों रही हो? आई नो आई एम लुकिंग हैंडसम, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम मुझे ऐसे करके देखोगी बिल्ली की तरह। आपको देख के ताड़ने का नहीं आंखें फोड़ने का दिल करता है। वेट कर रही हूँ मैं कि आप यहाँ से निकलो तो मैं चेंज करूँ। तो वॉशरूम में जाके चेंज कर लो, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। वॉशरूम में जाके चेंज करूं? वॉशरूम की क्या हालत की आपको पता भी है आपने? हाँ, हर जगह पानी पानी करके आए हो, कमोड़ पे पानी डाला हुआ है आपने, सिंक में शेविंग ब्रश छोड़कर आए हो, बाल बाल छोड़ दिए हर जगह आपने, नहाने के बाद वाइपर क्यों नहीं मारा आपने? मुझे लेट हो रहा था। 2 मिनट ही लगते हैं। हाँ तो तुम कर दो। ओ, गंद आपने मचाया और साफ मैं करूँ? मैं नहीं साफ करने वाली और मैं बाथरूम में जाके चेंज नहीं करूंगी। हाँ तो वेट कर लो, जब मैं कम्प्लीटली रेडी हो जाऊंगा तो चेंज कर लेना। और अब शादी तो हो गई पर अक्कड़ नहीं गई दोनों की, एक दूसरे को परेशान करने में लगे हैं। देर से आपको हो रही है क्या? मुझे भी तो हो रही है, स्कूल जाना है, मुझे लेट हो रहा है। देखो ठीक है, यही चेंज करूंगी मैं भी। और अब रजत शॉक्ड होकर देखता है सभी को कि ये क्या कर रही है वो रूम में, डोरी क्यों बांध रही है,
और ना तो दोनों के बीच में कोई बातचीत और ना ही कोई किसी से कोई बात पूछ रहा है। बस जहां सभी डोरी एक कोने से दूसरे कोने तक लेकर जा रही है बांधने के लिए, वहीं रजत आश्चर्यचकित होकर देख रहा है। और अब जहां रजत और भी कंफ्यूज्ड हो रहा है कि सभी आखिर कर क्या रही है, अब वो एक बड़ी सी बेडशीट लेकर उसी डोरी के ऊपर पर्दा बनाकर टांग देती है। अब तो भाई पर्दा ही पर्दा है, चेंज कर सकती है अब आराम से सभी। अब इस तरफ मत आना। ओ हेलो, एक मिनट, ये क्या कर रही हो? देखो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और उसके बाद कोर्ट भी जाना है मुझे, हटाओ ये सब। मैंने वेट किया ना, अब आप भी वेट करो। खबरदार जो पर्दे के इस तरफ आने की कोशिश की। और एक और बात, जाने से पहले ना कबर्ड में मेरे सामान के लिए थोड़ी सी जगह बनाओ। एक काम करो, तुम अपना सामान स्टोर रूम में रख लो, मैं बात कर लेता हूँ, चलो। ओ हेलो, स्टोर रूम नहीं, यहाँ इस रूम में जगह चाहिए मुझे। यहाँ रह रही हूँ ना मैं, इस रूम पर जितना आपका हक है ना उतना मेरा भी है। यही रह रही हूँ ना मैं, पर इस चादर से जैसे पार्टीशन बनाया था ना वैसे अपने लिए कबर्ड भी लाकर रख सकती हूँ मैं। कहाँ फंस गया मैं? और करो शादी, ये हर बात पे जो तुम लेक्चर देने लग जाती हो ना, वो देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कर रहा हूँ कुछ मैं। हर बात पे धमकी देती है, क्या करूँ समझ में भी नहीं आ रहा। और अब रजत को जगह बनाना है तो अब क्या और कैसे बनाए? सभी को अपनी जरूरत की चीजों रखनी तो है, और अब एक ड्रॉर का सारा सामान निकाल कर उसे खाली कर देता है रजत। और अब सुनो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तुम्हारे लिए जगह बना दी, रख लो अपना सामान। बना दी जगह, खुश, रख लो अपना सामान। ओह माय गॉड, इतनी सारी जगह का मैं क्या करूंगी? तुम्हें जो भी करना है तुम डिसाइड कर लो, अभी सामान रख लो उसमें, बाद में शॉपिंग करोगी ना तो जो एक्स्ट्रा सामान होगा वो बाद में रखते हैं, अभी अपना सामान रख लो उसमें। मेरी तो दो दो बैग है ना, और ये एक ड्रॉवर जो है आपस में एकदम 2 BHK फ्लैट लग रहा है। वेरी फनी, आपको क्या लग रहा है मजाक कर रही हूँ मैं यहाँ पे? मुझे क्या पता, हमेशा तो सरू सी शक्ल बनाए रखती है। आपसे तो कम ही सड़ी हुई शक्ल है मेरी। तू पक्का कोई काला जादू करती हो ना, मेरे मन की आवाज कैसे सुन लेती हो? पहले जगह। ओके फाइन फाइन, एक काम करो अपना सामान वहां पे ठूस दो। इससे अच्छा आपको ना ठूस दूं मैं यहाँ पे। क्या चाहते हो आप, जिंदगी भर इसमें अपना सामान निकालती रहूं और डालती रहूं मैं? यार इतना ड्रामा क्यों कर रही हो, सामने वाला घर है तुम्हारा, अपना सामान वहां पे रख लो। और अब तो सभी को विश्वास ही नहीं हो रहा कि रजत ऐसा भी बोल सकता है, हद पार कर दी उसने। मतलब वो अपने मायके में सामान रखे अब। रोज वहां से तैयार होके चली जाना, रोज रोज की बहस से तो बचेंगे ना। आपका दिमाग तो ठीक है ना, हाँ? आप कहना क्या चाहती कि मैं? हेलो, हाँ मन, हाँ बस मैं निकल रहा हूँ। नहीं नहीं मैं रेडी हो गया। हाँ नहीं, आई नो लेट हो सकते हैं, ठीक है मैं निकलता हूँ। ओके बाय। जवाब दे के जाओ। दिया ना, मन में दिया, सुनाई नहीं दिया, कोशिश करो सुनाई दे जाएगा। इस कटकट ठक्कर से तो बाद में निपटूंगी, स्कूल के लिए लेट हो रहा है मुझे। और अब जहाँ रजत चले जाता है सभी उसे देखते रह जाती है। आखिरकार इतने बड़े जोड़ी फ्लैट की जो गुणगान करते रहती थी भाग्यश्री, वो तो बहुत ही छोटा पड़ गया रजत जैसे के सामने। पर क्या अब सभी बगावत करेगी या बात को जाने देगी? देखना ना भूलिएगा यही कंप्लीट बॉलीवुड पर हूं मैं किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स।